तो अब दिग्विजय सिंह से जुड़ी हुई एक अहम खबर आपको बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने एक ऐसी बात बोली है जिससे राजनीति में भूचाल आने की पूरी संभावना बन गई है, या यूं कहिए भूचाल आ ही गया है। वो इसलिए क्योंकि दिग्विजय सिंह ने अब प्रचार के लिए जानते हैं किसे बुलाया है, कन्हैया कुमार को, सीपीआई के कन्हैया कुमार और दिग्विजय सिंह कांग्रेस के। भोपाल में वैसे ही वो पहली बार जब चुनावी मैदान में उतरे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, एक भगवाधारी के खिलाफ वो चुनावी मैदान में है। वैसे ही मजबूत कैंडिडेट बीजेपी ने अपने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उतार दिया है। और दूसरी तरफ हालांकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी पहली बार चुनावी मैदान में, लेकिन कन्हैया कुमार को अपने प्रचार के लिए बुलाना ये क्या बताता है, समझने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सतीश के सिंह है। सतीश जी, कन्हैया कुमार सीपीआई के, बिहार के, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह के लिए, कांग्रेस के लिए वो प्रचार करने के लिए यहाँ पर आते हैं, क्या बताता है ये? अब ये पता नहीं है कि दिग्विजय सिंह ने पार्टी से इसके लिए हामी भरवाई है कि नहीं, उन्हें पार्टी की रजामंदी है कि नहीं। ये भी नहीं पता कि कन्हैया कुमार व्यक्तिगत कैपेसिटी में वहाँ जाएंगे, लेकिन इस बात की शायद पुष्टि हो चुकी है कि कन्हैया कुमार आएंगे। क्या उन्होंने भी अपने पार्टी से परमिशन लिया है कि नहीं? लेकिन आप जैसा सही कह रही थी कि ये भूचाल लाने वाला जो है वक्तव्य है और दिग्विजय सिंह या कांग्रेस पार्टी का फैसला है, पता नहीं। तो ये ऐसे वक्त में जब अब मध्य प्रदेश में चुनाव शुरू हो रहे हैं, वैसे में ना सिर्फ दिग्विजय सिंह के लिए बल्कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी देखने लायक होगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर इल्ज़ाम लगे, जिस तरह की कंट्रोवर्सी हुई, उसमें उनके राष्ट्रवाद से उनको जोड़कर देखा गया, उनका करकरे को लेकर बयान भी काफ़ी विवादास्पद रहा, तो वैसे में कन्हैया कुमार को लगता है दिग्विजय सिंह ने एक काउंटर फाइल समझा है कि इस जवाबी हमला है वो कन्हैया कुमार के जरिए शायद हो सकता है। तो ये उनकी सोच रही होगी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ये बहुत सुर्खियां बटोर रहा है सतीश जी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एक अलग ही विवाद खड़ा हो जाएगी कांग्रेस के प्रचार के लिए, कैसे सीपीआई का कोई नेता आ सकता है? तो ये भी तो हो सकता है कि जैसे देखिए हुआ क्या कि बिहार में ये पूरी संभावना थी कि कन्हैया कुमार को जो एक गठबंधन बनेगा आरजेडी कांग्रेस सीपीआई वगैरह का, उसमें उनको जगह मिलेगी और वो उनके उम्मीदवार होंगे। लेकिन ऐन वक्त पे वो बात नहीं हो पाई। अगर नहीं हो पाई तो ये भी हो सकता था कि नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, जैसे शवाना आजमी या प्रकाश राज या जावेद अख्तर वगैरह गए वहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए, तो हो सकता था कि कांग्रेस के नेता भी बेगूसराय में जाते, लेकिन वो नहीं गए। अब कांग्रेस के नेता बिहार में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से भोपाल में उनको इनवाइट कर रहे हैं और शायद उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया है। 8 और 9 तारीख को वो जा रहे हैं जी। हाँ। तो ये व्यक्तिगत कैपेसिटी में जा रहे हैं, डी राजा की अनुमति है कि नहीं है, सीपीआई सीपीएम इस पे क्या कह रही है, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस आला कमान की इसमें रजामंदी है कि नहीं, ये विषय है। और ये लगता है कि अभी जब हम मिड टर्म में घुस रहे हैं चुनाव के, उस समय एक बहुत बड़ा हेडलाइन बन रहा है। लेकिन सतीश जी, हमने देखा है कि संभावनाएं कुछ भी बन सकती हैं, कभी भी बन सकती हैं राजनीति में, जिस तरीके से एक दल से कोई दूसरे दल में फटाफट कभी भी कैसे भी चला जाता है, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर आता है। क्या यहाँ पर जो राजनीतिक जोड़ तोड़ है वो संभव हो सकता है? क्या कन्हैया कुमार किसी भी तरीके की उम्मीद यहाँ कांग्रेस में देख रहे हैं, ये भी संभव हो सकता है? नहीं, मैंने कहा ना, क्या देख रहे हैं ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं दिग्विजय सिंह की का माइंड पहचान सकता हूँ कि किस सोच से उन्होंने कन्हैया कुमार को बुलाया है, लेकिन क्या मेरा सिर्फ यही सवाल है कि क्या दोनों पार्टियों की रजामंदी है या ये व्यक्तिगत रूप से जा रहे हैं और जाएंगे? अच्छा, अगर ये हुआ, कन्हैया कुमार अगर व्यक्तिगत रूप से नहीं जा रहे हैं, तो ये बात भी है कि बेगूसराय की जो कैंपेनिंग तो अभी एंड हो चुका है, तो क्यों नहीं वहां पर कोई कांग्रेस का नेता गया, ये भी तो हो सकता था। लेकिन वहां पे तो मुंबई से और बेंगलोर से लोग आए, सितारे आए, है कि नहीं, सौरा भास्कर गई, तो इस तरह के लोग गए, शायद कांग्रेस में भी स्टार है, स्टार चले जाते हैं। अब जैसे गोविंदा रोड शो कर रहे हैं राजस्थान में, क्या पता। हाँ, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल संभावना है। लेकिन एक और बात ये देखनी होगी कि अभी 8 और 9 तारीख में टाइम बहुत है, कहीं किसी तरीके की प्रतिक्रिया दोनों पार्टी की तरफ से ना आ जाए या नाराजगी किसी पार्टी की तरफ से ना आ जाए। मुझे लगता है, और दिग्विजय सिंह भी ये जानते होंगे,
इसको भारतीय जनता पार्टी मुद्दा जरूर बनाएगी, क्योंकि वहां पर पोलर इलेक्शन है मध्य प्रदेश के अंदर, और वो जो राष्ट्रद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग ये सब बोलते रहते हैं बीजेपी वाले, यहाँ तक प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे जो है बीजेपी एक इसको एक मुद्दे के रूप में, मौके के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में, या हो सकता है कि जहां जहां चुनाव बचे हुए हैं वहां पर इसको इस्तेमाल में लाएगी। अब काउंटर स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या कन्हैया कुमार सिर्फ दिग्विजय सिंह के लिए भोपाल जा रहे हैं या कांग्रेस उनको और जगह घुमाएगी? अगर हम भोपाल सीट की ही बात कर लें तो वहां पर हमने देखा है सतीश जी की जो वोटर्स हैं वो जो मुद्दा है यहाँ पे हिंदू मैं बड़ा हिंदू मैं बड़ा हिंदू इस चीज़ पर ज़्यादा यहाँ पर हमने देखा है, साध्वी प्रज्ञा बोलती हैं, दिग्विजय सिंह उसका जवाब देते हैं, लेकिन जो वोटर्स हैं वो दिग्विजय सिंह से कहीं ना कहीं नाराज भी हैं क्योंकि आरएसएस के लिए वो लगातार तीखे हमले करते रहे हैं, हिंदू आतंकवाद के ऊपर वो करते रहे हैं। मैं नहीं जानता ना, आप टिप्पणी कर सकती हैं कि हिंदू नाराज है, वैसे तो वो भी नर्मदा यात्रा करते हैं और वो भी मंदिर जाते हैं और वो भी ये भी कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है, तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे नाराज हैं या अगर नाराज थे, मान लीजिए मैं काउंटर आर्गुमेंट करूं, नाराज थे तो मध्य प्रदेश की असेंबली चुनाव में कांग्रेस की जीत नहीं होती। बिल्कुल, उस समय ये जरूर कहा जाता कि दिग्विजय सिंह जहां जाते हैं वहां हरवा देते, इसलिए वो अलग रहेंगे। अब क्या बात अंदर खाने हो रही है क्या नहीं हो रही है, लेकिन ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी इसको बनाएगी, ऐसे ही कहती है टुकड़े टुकड़े गैंग का। अब दिग्विजय सिंह ने कोई काउंटर स्ट्रेटजी से कन्हैया कुमार को वहां मनाया होगा आने के लिए, देखने की चीज होगी, लेकिन ये मुद्दा और ये जो कहते हैं जैसे कन्हैया कुमार का बेगूसराय से उम्मीदवारी ही सुर्खियों में बना हुआ है, उसी प्रकार से कन्हैया कुमार का भोपाल में दिग्विजय सिंह के लिए प्रचार करना भी एक भारी बड़ा सुर्खी बना, बहुत बड़ी हेडलाइन बन सकता है। और 8 और 9 तारीख को जब यहाँ पर कन्हैया कुमार आएंगे उसके पहले और क्या क्या डेवलपमेंट होती है इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे।